हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर जो डिवाइस है वो है रियलमी 7, और रियलमी 7 में रियलमी वाई 3.2 का जो नया अपडेट है F.07 का, वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने भी अपने डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है, और मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में, कि अपडेट के बाद डिवाइस जो है वो कैसी परफॉर्म कर रही है, क्या इसका अंतुतु स्कोर है, क्या इसका गीकबेंच स्कोर है, साथ ही और भी बहुत सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ये वर्जन है वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है F.07 का। अगर इसके हम यहां पर चेंज लॉग की बात करें तो इसमें पूरा जो UI 3.0 का चेंज लॉग है वही यहां पर दिया गया है, बग फिक्सेस का चेंज लॉग नहीं दिया गया। इसके बाद अगर बात करें यहां पर इसके सिक्योरिटी पैच की, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस, अगर बात करें यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि इसकी स्मूथनेस के बारे में, तो ये तो यहाँ पर इसमें आपको थोड़ी सी ठीक ठाक ही देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर काफ़ी अपडेट अब इसके आ चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलेगी। लेकिन इस अपडेट के बाद यहाँ पर मुझे जो इसकी ऐप की ओपनिंग और क्लोजिंग स्पीड है उसमें थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा ये स्लो यहाँ पर जो है परफॉर्म कर रहा है। कैमरा ऐप को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये कैमरा ऐप भी प्रॉपर ओपन नहीं होती है, थोड़ी सी इसके बाद ये अटक के ओपन होती है, और क्लोज होने में भी आप देख रहे होंगे कि इतनी स्मूथली जो है क्लोज नहीं होती है। तो ये कुछ इशू यहां पर इस अपडेट के बाद देखने के लिए मिला है। तो गाइस, अब अगर बात करें यहाँ पर इसके अंतुतु स्कोर की, तो जो इसका पिछला अपडेट था F.06 का, उस अपडेट का जो अंतुतु स्कोर है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 351,810 जो है वो इसका अंतुतु स्कोर था पिछले अपडेट में, और इंडिविजुअल जो CPU GPU का स्कोर है वो भी आप स्क्रीन पर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर बात करें अब यहाँ पर इस अपडेट के बाद इसके अंतुतु स्कोर की, यानी कि F.07 अपडेट के बाद इसके अंतुतु स्कोर की, तो वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। 356,621 जो इसका अंतुतु स्कोर देखने के लिए मिलता है इस अपडेट के बाद। इंडिविजुअल CPU और GPU का स्कोर भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो गाइज, यहाँ पर इस अपडेट के बाद जो है इसके अंतुतु स्कोर में इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि अंतुतु स्कोर जो है वो पहले से ज़्यादा बेटर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज, अब अगर बात करें यहाँ पर इसके गीक बेंच स्कोर की, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इसका सिंगल कोर का गीक बेंच स्कोर था, जो कि पिछले अपडेट में यानी कि F.06 में 532 जो है इसका सिंगल कोर का स्कोर था, और 1818 जो है इसका मल्टी कोर का स्कोर था पिछले अपडेट में। अब हम चेक कर लेते हैं कि इस अपडेट के बाद इसका जो स्कोर है वो क्या देखने के लिए मिलता है। तो गाइज, अब जो स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं गीक बेंच स्कोर, वो है F.07 अपडेट का। तो इसमें जो सिंगल कोर का स्कोर है वो है 530, और जो मल्टी कोर का स्कोर वो है 1853। तो यहां पर जिसके सिंगल कोर के स्कोर में हल्की सी आपको यहां पर कमी देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहां पर जो मल्टी कोर का स्कोर है वो आपको यहां पर जो है पिछले अपडेट के मुकाबले ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो गाइज, अब अगर बात करें यहाँ पर इसके पिछले अपडेट यानी कि F.06 अपडेट के CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप इसका जो ग्राफ है वो देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ग्राफ जो है आपको काफ़ी स्टेबल देखने के लिए मिलता है। पिछले अपडेट में 91% जो है इसका मैक्स परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो गाइज, अब अगर बात करें यहाँ पर F.07 अपडेट के CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की, तो उसका जो ग्राफ है वो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ग्राफ आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको 90% जो है इसका मैक्स परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है, पिछले अपडेट में 91% था। तो यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये ऑलमोस्ट सेम ही ग्राफ आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाता है। तो गाइज, अगर बात करें यहाँ पर इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो आप यहाँ पर इसका बैटरी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसमें पहले से थोड़ा सा हल्का सा इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें अभी भी नहीं कह सकते, यानी अभी भी इसमें जो है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश है, जो कि रियलमी को यहाँ पर ज़रूर से करनी चाहिए। जब से रियलमी वाई 3.0 आया है तब से इसमें बैटरी जो है वो काफ़ी ड्रेन होती है। हालाँकि अभी बीटा वर्जन है तो उसमें बैटरी ड्रेन होना जो है वो पॉसिबल है ही, लेकिन यहाँ पर स्टेबल अपडेट के आने तक इस प्रॉब्लम को रियलमी को जरूर से सॉल्व कर लेना चाहिए।
तो गाइस अगर यहाँ पर BGI गेम प्ले की बात करें तो यहाँ पर मुझे पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी यहाँ पर लैगिंग इशू जो है वो देखने के लिए मिला है। पिछले अपडेट में जो डिवाइस है वो काफी अच्छी परफॉर्म कर रही थी BGI खेलने में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं इस अपडेट के बाद। हालांकि डिफर करता है कई बार डिवाइस पे भी कि कौन सी डिवाइस में कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। तो आपके डिवाइस में अगर आप BGI खेलते हैं तो ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो गाइज अब अगर बात करें यहाँ पर इसके कैमरा परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर इसको कैमरा को आप अगर देखेंगे तो इसके जो UI है उसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जैसा UI आपको पहले देखने के लिए मिलता था वही सेम UI देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 2.0 में भी आपको देखने के लिए मिलता था। जबकि 3.0 में इसका जो नया UI है वो दूसरे डिवाइस को मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर Realme 7 को अभी तक वो UI देखने के लिए नहीं मिला है। अगर अब बात करें यहाँ पर इसके कैमरा परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो इसके कुछ सैंपल्स है वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। तो दोस्तों इस पे जो सैंपल्स है फोटो के वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो फोटो में जो है पिछले अपडेट के बाद कोई भी ऐसा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला है। फोटोज जैसे पहले क्लिक हो रहे थे उसी तरीके के फोटोज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, कोई भी इसमें मेजर आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब अगर बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा की, तो पिछली बार जो अपडेट है उसके बाद यहाँ पर फ्रंट कैमरा से जो पोर्ट्रेट फोटो है उसमें यहाँ पर एज डिटेक्टिंग का प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिला था। मैंने अपने पिछले वीडियो में वो प्रॉब्लम जो है आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन इस अपडेट के बाद वो जो प्रॉब्लम है एज डिटेक्टिंग की वो यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। तो गाइज ये थे यहाँ पर इसके कुछ कैमरा सैंपल्स और इस डिवाइस का पूरा रिव्यू जो कि था F.07 अपडेट के बाद। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।